प्रवेश खटक साहब ने अभी बयान दिया है, कहते जी मैं इमरान खान की मैं कुछ कस दूंगा। प्रवेश खटक साहब सिर्फ चीनी बेचे अपनी, सिर्फ अपना वो गन्ने गुन्ने का जो काम है वो करन, जिसका मुंह उठाता है वो हुकूमत की तरफ चल पड़ता। उसने एक नवाज शरीफ जरदारी तक को टक्कर दी है, तो प्रवेश खटक क्या चीज है? इमरान खान जी मैं तो गया, उसकी वो एक वो क्या मैं कहूँ, उसी बिल्ली जो है ना मैं म्यों करने वाली, उसको भी वो शिकस्त नहीं दे सकता, उसका नाम उसी की बदौलत था। इसको शिकस्त देने का एक फैसला किया कि मैं इसकी मैं को खत्म करूंगा, कि ये बहुत बड़ा समझता अपने आप को, तो मैं इसकी मैं को ही खत्म करूंगा। खान साहब के दोस्त चंगा पलाएगा सी है, देखो शहबाज शरीफ ने की कर छड़े। ओह नो, खटक साहब नु गुजारा करो, खटक साहब खान साहब की वजह तो थानू वेखदे सी एसी सारी फजूल है, सारी फजूल घूमते हैं। मेरी बात सुनो, शिकस्त तो दूर की बात है, शिकस्त वाला वो तो दूर की बात है, तो उसको वो लोग इमरान खान के नाम भी ना ले लो भाई, नाम लेगा तो भाई लोग तुम्हारा वो हालात बनाएगा जो तुम फिर अपने आप को घर से भी निकाल नहीं सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका अपना सरफराज विकी अलमशहूर सुसरा। नाज़रीन, परवेज़ खटक साहब पहले तो खान साहब के लिए, इमरान खान के लिए जो थे कुर्बान होने को तैयार थे, बहुत कुछ उनके बयान आते थे और बड़ा खान साहब का साथ और यूं और वूं फला। आज उनका बयान ये आया है, कहते हैं कि मैं इमरान खान की मैं को शिकस्त दूंगा, यानी परवेज़ खटक साहब कह रहे हैं कि मैं इमरान खान की मैं को शिकस्त दूंगा। अब कौन सी मैं है उनमें और कौन सी शिकस्त वो देने जा रहे हैं ये तो मुझे नहीं पता है, अवाम ही मुझे बताएगी कि परवेज़ खटक साहब का ये बयान कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है। मेरे साथ रहिए, कहीं मत जाइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पाफ नवा बनवाया जी? नहीं जी जी, अजय बनना है, अजय बनना है, क्योंकि मेहनत दी कमाई ना बने, मेहनत दी कमाई ना बने। अब सही गल है, बिल्कुल, यानी समझो एक दिहाड़ी लाई करो, एक दिहाड़ी नहीं सदी लग जाएगी, सदी लग जाएगी वापस आंदे आ रहे हैं, बिल्कुल सही गल है। एक बारी फसल बर्बाद हो गई तो हो गई, फिर दोबारा नवी लाओगे तो होगी, जमीन बंजर है, वो जमीन बंजर रह जाएगी, बिल्कुल सही। ओदे च की आ सकदा है? ओदे च जेडे ब्रैटी ला लो, पानी लाओ भी सही, जदो बंजर ही है, बंजर है तो ओदे च कोई बीज लाओ, पानी लाओ, कोई सब्जी सुब्जी लाओ, उस तो बाद पानी ला के ओनु सब्जी दा भी बेड़ा घर कराओ। नहीं नहीं, अल्लाह रहम करे, सब्जियां सिर्फ पानी दी वजह तो ही खराब हुंदी है, तो पानी दी वजह तो सही रहंदी है। जिते रहे खुश रहे सलामत रहे, ग्रेट आदमी आप। क्या नाम है सर आपका? शहजाद हुसैन। शहजाद हुसैन साहब, बहुत खूबसूरत नाम रखा हुआ है। हुसैन भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये परवेज खटक साहब हैं, पहले तो खान साहब के साथ थे, मिलकर बड़ा साथ दे रहे थे, ये लोग बदलते हैं सियासत में ना, तो ये जो परवेज खटक साहब ने अभी बयान दिया है, कहते जी मैं इमरान खान की मैं को शिकस्त दूंगा, क्या कहते हैं परवेज खटक साहब के बारे में? वो उनका कहने का मकसद ये है कि इमरान खान बहुत फेमस एक पर्सन है, सेलिब्रिटीज है, ठीक है ना, है। तो वो पूरे वर्ल्ड में पूरे वजीर आजम भी रहा और चैंपियन भी रहा, मशहूर है, फेमस है, आई मीन, तो उसने इसको शिकस्त देने का एक फैसला किया कि मैं इसकी मैं को ख़त्म करूंगा, कि ये बहुत बड़ा समझता अपने आप को, तो मैं इसकी मैं को ख़त्म करूंगा, इसलिए वो बहुत सारे इशू बना रहा है कि इसको नीचे मैं ले आऊं इसको किसी हाल में, बिल्कुल सही बात, बस ऐसा ही है, ऐसी बात ही है, बाकी कोई ऐसी कोई बात नहीं, बाकी कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि वो ना वो इमरान खान उसको मार सकता है ना वो उसको मार सकता है। अरे क्या बात है, खूबसूरत बात की आपने, ये तो रब की बात है, रब की बात है कि किसी को मारना नहीं चाहिए। साहब को एक पैगाम दे दें जरा, उनका मैसेज यही है कि यार मैं इमरान खान को किसी तरीके से अच्छे तरीके से यूज़ कर लूँ, इसे वज़ीर आज़म भी रहा है, फिर अब क्या कहने का मकसद है, एक फेमस बंदा भी है, बड़ा अमीर भी है, कैसी साड़ी बदनसी भी है, चोल विच बोटी कोई नहीं। मैं खान साहब के तौर खान साहब के दौर चंगा पलाया गया सी है, वेखो हुण शहबाज शरीफ ने की कर छड़े है। सवा साल पहले 950 रुपए का 20 किलो आटे का थैला लैंदा सी, 2800 रुपए का हो गया हुण, तुहानू भी तो पता होना चाहिए, तुसीं भी साडी तरह गरीब बंदे हो, गुड्स ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है वैसे साडा, शालमी बंसाले बाजार ते अकबरी मंडी ना, खान साहब के दौर में पिशावर या इस्लामाबाद के लिए 23,000 रुपए में आप जिसको ट्रक बोलते हैं,
खान साहब के दौर में 23,000 रुपए में हम लोग पेशावर बेचते थे। इमेजिन करें आजकल क्या प्राइस में जा रही होगी, 65,000 में, 65,000 रुपए में गाड़ी पेशावर जा रही है। और कस्टमर कस्टमर तीन गुना समझते हैं कि बढ़ गया, ये आटा भी तो तीन गुना बढ़ गया ना, तीन गुना बढ़ गया। तो प्रवेश खटक साहब कह रहे हैं कि जी मैं इमरान खान की मैं कुछ शिकस्त दूंगा, ये क्या बोला है उन्होंने? सोशल मीडिया तो थोड़े दूर होए पे हैं, जदों दा 9 मई का वाकया होया है ना, खटक साहब लोग जरा गुजारा करो खटक साहब, खान साहब की वजह तो तुहानू वेखदे सी असी। अब पठान है ना, पठान है, अब क्या करें हम लोग, पठान एक दूसरे की बहुत कदर करते हैं। ये बात है कि हम पठान एक दूसरे की बड़ी कदर करते हैं। प्रवेश खटक साहब सुन लें इनकी बात कि खान साहब की वजह से आपको देखा जाता था। हाँ, खान साहब की वजह से, बिल्कुल, ये तो रियलिटी है ना, ये रियलिटी है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, देख रहे हो मेनू कि नहीं देख रहे? सारी फजूल घूमते। थैंक यू वेरी मच। आ रहे हैं प्रवेश खटक साहब के मैं इमरान खान की मैं को शिकस्त दूंगा, क्यों कर रहे हैं? यार मेरी बात सुनो, शिकस्त तो दूर की बात है, शिकस्त वाला वो तो दूर की बात है, उसको बोलो जो तुमने जो अपना सीट जीता है वो किसके दिल वजह से जीता है, वो तो इमरान खान किसे वजह से जीता है। जो आपको वोट देगा वो इमरान खान की वजह से देगा, जब इमरान खान की नाम तुम्हारे पास नहीं होएगा फिर तुमको वोट किधर से मिल जाएगा, फिर तो कोई नाम तुम्हारा नहीं लेगा, नाम निशान भी नहीं लेगा। हाँ जी, यही बात है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे लग रहा है अभी उसमें पेशावर में कोई मुझे अच्छा अस्पताल नजर नहीं आ रहा है, मुझे तो लग रहा है उसको लाहौर बुलाना पड़ेगा, कोई इधर अच्छा से कोई डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा, जाके उसको थोड़ा इलाज कर दो पहले, फिर तो उसकी इलाज करना पड़ेगा भाई। हाँ, उसको पहले लाहौर के अस्पतालों में दिखाना चाहिए। बात ये है मेरे भाई, पैगाम दे दे प्रवेश खटक साहब को, बस प्रवेश खटक शिकस्त दे सकते हैं या नहीं दे सकते? यार शिकस्त का तो दूर की बात है, उसको बोलो कि इमरान खान के नाम भी ना ले लो भाई, नाम लेगा तो भाई लोग तुम्हारा वो हालात बनाएगा जो तुम फिर अपने आप को घर से भी निकाल नहीं सकता है। जिस पाकिस्तान में आपको लाइट नहीं मिल रही, रात दिन लाइट के बगैर बच्चे छोटे रो रहे हैं, चीख रहे हैं, बिल तो माशाल्लाह है, कलेजे फाड़ने वाले मिल रहे हैं, यकीन जाने लोग अपने जिस्म बेचने पे मजबूर हुए हैं, हमारे गरीब लोग अपने आप को मार रहे हैं। यार कितनी अफसोस, ये क्या खूबसूरत बात है। मेट्रो में अभी पिछले दिनों में शहादत हुई, ऐसे गिर के वो उसने मरा, वो बंदा क्यों मरा है? प्रवेश खटक साहब कह रहे हैं, प्रवेश खटक हो, इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, जरदारी हो, कोई भी हो, हमारे साथ गरीबों के साथ कौन खड़ा है? ये बात है, ये बताएं आप, हमारे साथ गरीबों के साथ कौन है, इन पठान मजदूर तबके के साथ कौन है? प्रवेश खटक साहब सिर्फ चीनी बेचे अपनी, सिर्फ अपना वो गन्ने गुन्ने का जो काम है वो करन, ऐ घूमच की यार आके कर रहे, मैनू तो यह नहीं समझ लग रही, जिसका मुंह उठाता है वो घूमच की तरफ चल पड़ता, जिसका कोई और काम नहीं है ना। जनाबे अली, ये मैं पूरी मीडिया के सामने कह रहा हूँ, मेरा पैगाम वायरल कर देना, जिसको कोई काम नहीं हो सियासत चाहिए, वो वेला है ना, जेड़ा वेला उसे आते जाए। प्रवेश खटक तो आज तक जो है ना इमरान खान कहे कि एक बात के लिए तड़प रहा था, ठीक है, तो कैसे ये सब बात आ गया कि वो इमरान खान साहब को शिकस्त देने के लिए तैयार हो गया? तो ठीक है, उससे पहले उसका दामाद के साथ मुकाबला है, उसने हराया प्रवेश खटक को, हराया तो ये इमरान खान के साथ क्या मुकाबला करेगा? हाँ, क्या करेगा? हाँ, वो ये छोटा बात की है, लेकिन वैसे जो है ना बस छोटा बात है, इसको मैं छोटा बात कह रहा हूँ। अच्छा, एक डीलर है, एक माशाल्लाह पाकिस्तान में एक नाम हुआ है यार, एक लेवल है उसका, बेशक वो हार गया, बेशक वो दुनियादारी के सामने रुसवा हुआ है, लेकिन लेवल है उसका, उसने एक नवाज शरीफ जरदारी तक को टक्कर दी है, तो प्रवेश खटक क्या चीज़ है? बस प्रवेश खटक को हम ये कहते हैं, बस सियासत से आप दूर हो गया, आपको पार्टी से निकाल लिया, पार्टी से निकल गया, बस तुम्हारा काम वही है भाई ने। अब कह रहे हैं कि मैं इमरान खान की मैं कुछ शिकस्त दूंगा, प्रवेश खटक है। इमरान खान की मैं तो गया, उसकी वो एक वो क्या मैं कहूँ, उसी बिल्ली जो है ना मैं करने वाली, उसको भी वो शिकस्त नहीं दे सकता।
उसका नाम उसी की बदौलत था। कितने ये किस्म के ये सियासतदान हैं, जिस थाली में खाते हैं छेद करते हैं, जेंट्स बनते हैं, जिसके नाम पे इतनी शोहरत हासिल की, जिसके नाम पे इतना रुतबा हासिल किया, इतना आला मुकाम हासिल किया, उसका नाम कोई नहीं जानता था। मेरे जैसा आम बंदा ना उसको नहीं जानता था, उसे सब जानना शुरू हो गए। किसकी बदौलत? इमरान खान की बदौलत। और आज इमरान खान को आंखें दिखा रहे हैं, जिसकी बिल्ली उसको म्याऊं। कमाल है यार, इमरान खान ब्रांड है। इमरान खान पूरी दुनिया में एक ब्रांड है। क्या बात, ना सिर्फ पाकिस्तान का हीरो है, पूरी दुनिया में हीरो है। माशाल्लाह, पूरी दुनिया में उसको जाना पहचाना जाता है। खटक साहब को तो मेरा ख्याल है वहाँ वो कोई वो आगे रहने वाले हैं जिस गांव के, मेरा ख्याल है वो लोटा मशहूर है वहाँ में। वहाँ उनके पड़ोसी, उनके सारे जानने वाले उनको हमेशा लोटा कहते हैं कि ये कभी पीपल्स पार्टी में चले जाते हैं, कभी किसी पार्टी में चले जाते हैं, कभी किसी पार्टी में चले जाते हैं। तो वो कोई क्रेडिट नहीं है, वो अच्छी किरदार नहीं है, वो आंदा जिंदगी के लिए। मेरी नसीहत है उनको कि जहाँ कहीं भी हों ठुक जाएं हुसैन की तरह, डट जाओ हुसैन के इनकार की तरह। यार ये जब भी कभी जमीन के सौदे की बात हो, डट जाओ हुसैन के इनकार की तरह। क्या बात है जी, क्या खूबसूरत बात इन्होंने की, माशाल्लाह। बहुत नाम तो बड़ा खूबसूरत था, मेरा ख्याल क्या नाम था जी, परवेज, अच्छा परवेज साहब, खटक साहब, जो भी था साथ देना चाहिए यार, वो जिंदा रहता है बंदा। तारीख नादरीन परवेज खटक साहब, आपने लोगों के कमेंट सुन लिए हैं। बहरहाल हमारा काम होता है आपको हंसाना, आपके चेहरे के आंसू चुराना। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली जिंदगी गुजारें। कभी किसी की दिल आजारी मत कीजिएगा। इज्जत दें, इज्जत लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें। और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता अल्लाह है। अल्लाह का इंशाल्लाह। मस्कर जैनों को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है, क्योंकि ससुरा आपके साथ है।